ना ना इस तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा ना सर, इस तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा, कोई क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस्ट तरीके से अपना 1.5 डेज में रिवाइज कर देंगे। पहले मैं तुमको थोड़ा इंट्रोडक्शन वाली बातें बताता हूँ कि अपन लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है सर। हाँ सर, मैं बस यही बोल रहा था कि भाई तुम लोग को एम करना है कि 70 प्लस आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग को ना तो मॉड्यूल के क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत है अगर तुम्हें क्वेश्चन चार्ट्स कर रहे हो तो, तुम लोग को ना तो कोई क्वेश्चन बैंक रेफर करने की जरूरत है, आसानी से क्या हो जाएगा ना सर, क्लियर हो जाने वाला है तुम्हारा। अब मैं कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें बता देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं भाई तुमको, वेलकम टू द क्वेश्चन चार्ट्स बैच। अब देखो क्या है, बिगेस्ट पेन पॉइंट जो होता है ना भाई, आखिरी के 1.5 डेज में क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो अपन वो वाला डर तुमका निकालेंगे। क्वेश्चंस अपन सारे के सारे अच्छी तरीके से करा देंगे, क्वेश्चन को करने की एक टेक्टिक होती है, एक टेक्निक होती है, तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बैंक तुम रेफर नहीं करोगे चल जाएगा, मॉड्यूल क्वेश्चन तुम रेफर नहीं करोगे चल जाएगा, आरटीपीज एमटीपीज तुम रेफर नहीं करोगे चल जाएगा, अगर तुम लोग ये क्वेश्चन चार्ट्स को रेफर कर रहे हो तो। वेरी लेस कंटेंट मैंने इसमें रखा है, अगर तुम लोगों ने वो क्वेश्चन चार्ट्स को एनालाइज किया होगा ना भाई, बहुत सारे ऐसे ऐसे है जिसमें मैंने एक दो ही क्वेश्चन रखे और ये 0.5 पेजेस में खत्म हो जा रहे हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे। तो 0.5 से लेकर के 2 पेजेस के अंदर अंदर अपन ने एक एक ऐसे एक एक चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की, कोई कोई चैप्टर अपने 3-4 पेज तक चले गए, वो भी हैंड रिटन है तो उस हिसाब से उतना गया, अगर टाइप्ड होता ना तो आसानी से एक पेज में हो जाता। फर्स्ट रीडिंग के लिए भी ये सूटेबल है, अगर आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नहीं कर रखे तो भी आप ये यूज कर सकते हो, या आपने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं ना तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 1.5 डेज में आपको यही 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 क्वेश्चन चार्ट यूज करने और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सर 1.5 डेज में इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप मॉड्यूल को भी देखो क्वेश्चन बैंक को भी देखो, नहीं सर, मेरे मैजिक चार्ट हो जाए क्वेश्चन चार्ट हो जाए खत्म। जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपनी फैकल्टी के नोट्स यूज करो बिंदास तरीके से, वो मटेरियल अभी बदलने की जरूरत नहीं है। कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, मैजिक चार्ट्स की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है तो वो देख सकते हो, क्वेश्चन चार्ट्स आपको करने हैं, लिमिटेड कंटेंट ही मैंने रखा है क्वेश्चन चार्ट्स में, और हर एक क्वेश्चन में आईसीआई जो है हमारा एक से लेकर के दो लाइनें फैक्ट्स ऑफ द केस लिखता है, वो कैसे सब लिखता है वो अपन आगे सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन की, लेकिन 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 ये अपने को लिमिटेड कंटेंट ही करते हुए चलना है, जितना मैंने क्वेश्चन चार्ट्स में कंटेंट कवर किया उतना ही करना है। मॉड्यूल में बड़े बड़े पैराग्राफ है, अगर तुम आईसीए के आंसर्स को देखोगे, अगर तुम एनालाइज करोगे आरटीपी में जो आंसर देता है आईसीआई, एमटीपी में जो आंसर देता है आईसीआई, जो पास पेपर सजेस्टेड आंसर में देता है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो आंसर कैसे होते हैं सर, बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, तो वो बड़ा बड़ा आंसर करने की किसी की बस की नहीं है, तो मैंने कुछ लिमिटेड कंटेंट कवर किया है, वो उसके कीवर्ड से उनको वही दिखाना है और फैक्ट्स ऑफ द केस एक दो लाइन में अपने को लिखना होता है, ठीक है सर। वो कैसे लिखना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में आके। नो रिपीटेशंस टू सेव टाइम इन लास्ट 1.5 डेज, मैंने तुमको बोला था भाई मेरी बहुत इच्छा थी क्वेश्चन के चार्ट्स बनाने की, और भाई वो घड़ी आ गई है जब मैं तुमको करा रहा हूँ, और मेरी क्या इच्छा थी कि मैं जब ये बनाऊँ क्वेश्चन का चार्ट उसमें कुछ भी रिपीटेशन ना रखूँ, मैंने रिपीटेशन नहीं रखी है। फॉर एग्जांपल कोई भी बेसिक क्वेश्चन थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मैंने हटा दिए, जो किसी के भी फैकल्टी मतलब सारे फैकल्टी के नोट्स में होती है, हर फैकल्टी के नोट्स में जो होती है मेरे नोट्स में, जैसे बेसिक क्वेश्चन मैंने नहीं रखे, खाली यूनिक क्वेश्चन ही रखे, क्योंकि दिक्कत क्या आती है ना, तुम लोग कॉन्सेप्ट नोट्स में से पढ़ोगे वो क्वेश्चन मतलब वो वाला कंसेप्ट पर्टिकुलर, फिर क्वेश्चन बैंक में जाके वही डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और 1.5 डेज में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है सर। तो मेरे को रिपीटेशन जरा भी नहीं रखना था, ये चीज एक मैंने बहुत अच्छी करी, अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा नोट्स को देख करके। आईसीआई के कीवर्ड्स जो है वो सारे के सारे ये चार्ट्स में इनकलकेटेड है, मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी तीनों कवर्ड है, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आरटीपी की प्रिंट करा लूं एमटीपी की प्रिंट करा लूं, ठीक है सर। नवंबर 24 की भी कवर्ड है, खाली एमटीपी 2 कवर्ड नहीं है क्योंकि वो अभी अभी आई है, तो वो अपन सेपरेटली कवर करते हुए चलेंगे जो भी उसमें यूनिक क्वेश्चन होंगे। तो रेफरेंस दे दिया जाएगा, अपने क्लास वाले बच्चों को तो पता ही है लेकिन बाहर के बच्चों को भी रेफरेंस दे दिया जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ मैजिक चार्ट्स में टॉपिक्स है ये कंसेप्ट है तो भाई मैं बोल के छोड़ नहीं दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसके आंसर में कहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक अपन ने कहीं देखा था, तो देखा था करके छोड़ नहीं दूंगा, नॉन क्लास स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नॉन क्लास स्टूडेंट्स ने भी ये बैच को परचेस किया है लेस एफर्ट्स में। इन शॉर्ट में तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स दिलाना चाहता हूं, यही पूरे बात का क्रक्स है। जल्दी से बताना मजा आया कि मजा नहीं हो भाई साहब। राघव शर्मा क्या हुआ? ओ राघव शर्मा नहीं, जितेंद्र जैन, इतने सारे मैसेज। राघव शर्मा बोल रहे सर आज 3 घंटे में ग्रुप ऑडिट इंटरनल ऑडिट डिजिटल ऑडिट ईएसजी किया, ग्रेट भाई थैंक्स टू योर चार्ट। सर वेलकम राघव शर्मा, इतना सारा कर दिया। सर प्लीज एक बात बताओ, विच चैप्टर के ओनली क्वेश्चन इज सफिशिएंट, वो बताऊंगा अलग से बताऊंगा, जब मैं एनालिसिस वाली वीडियो लाऊंगा तब अलग से बता दूंगा, ठीक है, कि कौन से चैप्टर के कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स और कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो जरूरी है। सर आग लगा रखी है आपने, ऋषभ जग्गा बोल रहा है। अरे ऋषभ जग्गा भाई, आग तो भाई अभी मैंने लगाई है, एग्जाम वाले दिन तुम लगाओगे भाई, तुम लगाओगे आग। एक मिनट, जतिन कालरा को ऐप पे लाइव ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो, उसको बोलो अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करें। उसका एक
एक मिनट, चलो उसको मैंने बोला है कि भाई रीइंस्टॉल करके देखिए। इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट भाई अपन क्या करेंगे, आग लगा देंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेज आया कि सर क्या सीक्वेंस अपन फॉलो करने वाले, तो जो सीक्वेंस पर मैंने चार्ट बनाया यानी कि जो आईसीए मॉड्यूल का सीक्वेंस है, पहले सारे एसेस करेंगे ठीक है, यानी सारे स्टैंडर्ड्स करेंगे, फिर चैप्टर्स करेंगे, फिर एंड में अपन प्रोफेशनल एथिक्स करेंगे, तो वही वाला सीक्वेंस अपन इसमें फॉलो करने वाले हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है? क्या मैंने बोला हाँ सर, अपन जो सीक्वेंस है ना, पहले स्टैंडर्ड्स करेंगे, उसके बाद चैप्टर्स करेंगे, और उसके बाद एंड में अपन आके प्रोफेशनल एथिक्स करेंगे। एक बात की तो भाई मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, भाई अगर तुम लोग मेरे मैजिक चार्ट्स फॉलो कर रहे हो और अगर तुम लोग मेरे क्वेश्चन चार्ट्स फॉलो कर रहे हो और अगर तुम उसके शिद्दत से फॉलो कर रहे हो, शिद्दत से फॉलो कर रहे हो, तो 70 प्लस लाने से कोई कोई नहीं रोक सकता तुमको, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। और अदर स्टूडेंट्स भी, अदर स्टूडेंट्स भी, मेरे को पता है कि सारी फैकल्टी अच्छा खासा कवरेज लेके चलती है अपने नोट्स में ठीक है, तो अगर आप उनके नोट्स फॉलो कर रहे हो और मेरे क्वेश्चन चार्ट्स फॉलो कर रहे हो तो आपको भी 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बेसिक पर्पस क्या है ना, अपना एक ही पर्पस होना चाहिए भाई कि 100% सिलेबस अपने को कवर करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन चार्ट जैसे कुछ समरी फॉर्मेट में चीजों को कवर करोगे। अगर आप क्वेश्चन बैंक से करने चले ना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी क्वेश्चन बैंक के साथ नहीं हूं ठीक है। क्योंकि मैं तो तुमको क्या बोलता हूँ, सम्स के लिए भी तुमको क्या बनाने चाहिए, चार्ट्स बनाने चाहिए। मेरा एक वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ता, अगर तुम देखोगे तो सम्स के लिए भी चार्ट्स बनाने चाहिए ऐसा, तो ऐसा मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मैं बोलूँ हर चीज के कुछ ना कुछ छोटे छोटे चार्ट्स आपके पास होने ही चाहिए। आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो ना अगर, तो क्वेश्चन बैंक के भी आपको खुद से चार्ट बनाने, खुद से आपकी जिम्मेदारी है। मैंने एक वीडियो भी डाले जिसमें मैंने आईडीडी के भी ऐसे चार्ट बनाए थे ना, इसीलिए मेरे आईडीडी में और डीटी में 70 प्लस मार्क्स आ गए थे, उसको भी मैंने चार्ट्स बना रखे। सर रिकॉर्डिंग कब तक आएगी क्लास की? आज ही आ जाएगी मेरे भाई, क्लास खत्म होते से ही रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी रात के 10 तक आसानी से, 10:30 तक। हाँ उसने धमाका बैच ओपन की होगी, बिल्कुल गौरव, मैंने वही लिखा ग्रुप पे ठीक है सर। हाँ सर अब आओ चैप्टर नंबर 1 अपन लोग चालू करने वाले हैं। सर स्टार्ट करें आप, बिल्कुल ऋषभ भाई, अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल। सर चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल, अब देखो क्या बोल रहा है, सुनना बड़े ध्यान से। 2 पेज के अंदर अंदर अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है वो अपन ने कवर कर रखे हैं। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, आओ श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं, हर हर महादेव। नहीं नहीं भाई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मानसी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, तुमको कुछ भी नहीं लिखना जिंदगी में, कुछ लिखने मत बैठ जाना अभी तुम लोग। चलो आओ, ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिजाइन मार दिया, क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या मार दिया, रिजाइन मार दिया, वो छोड़ के चला गया चन्ना मेरिया कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इन द न्यूज फॉर रेगुलेटर्स इंक्वायरीज, क्या हुआ ना भाई, ऑडिटर था एक वो छोड़ के चला गया, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, वो पहले उसका ऑडिट करता था, क्यों छोड़ के गया पता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गंदे कांड कर रखे थे, कारनामे कर रखे थे, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी ठीक है, आरआईएल के ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। आरआईएल इज रेडी टू ऑफर हाई फीस टू सीए शंकर, भाई उन लोग के ऑडिटर ने छोड़ दिया, उन लोग के ऑडिटर ने तो छोड़ दिया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रोते रोते मेरे पास आई कि शंकर भाई आप हमारा ऑडिट कर दो ना। मैंने बोला मैं तो नहीं करूंगा, मैंने बोला मैं तभी करूंगा अगर तुम मेरे को हाई फीस दे रहे हो। तो वो लोग तो भाई मान गए हाई फीस देने के लिए, वो लोग मान गए सर, मान गए। मैंने बोला ठीक है भाई तुम लोग मेरे को हाई फीस दे रहे हो ना, चलो भाई मैं क्या करता हूँ ना तुम्हारा ऑडिट कर देता हूँ। सीए शंकर हैज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू द फर्म, तो मेरी जो फर्म थी ना सीए फर्म, वहां का मैं मेन पार्टनर था, एंगेजमेंट पार्टनर था, तो मैंने बोला कि भाई इन लोग का ऑडिट कर दो, मस्त पैसे दे रहे हैं, और ये रिलायंस वाले मेरे जानते लोग थे, मैं इनको जानता था, यानी कि जो प्रमोटर था ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, वो मेरा फैमिली फ्रेंड था, वो मेरा क्लोज एसोसिएट था, तो रिलायंस वाले मेरे को जानते भी थे। और मैंने बोला यार बेचारा पुराना ऑडिटर इनको धोखा देके चला गया है, तो चलो मैं इनका थोड़ा सा काम कर देता हूँ, भले इन लोगों ने कांड कर रखे मैं काम कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कैसी फंक्शनिंग है सीए फर्म की, फंक्शनिंग कैसी है सीए फर्म की, उनकी क्वालिटी कैसी है, बेसिकली व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द टॉप ऑफ द फर्म, मतलब सीए फर्म, जहां भी फर्म देखे तुमको एग्जाम में सीए फर्म की बात चल रही है, एंड व्हाट आर द कंसीडरेशंस वन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ द फर्म। अब जैसे ही तुमको क्वालिटी दिखाना शब्द, तो भाई तुमको समझ जाने का बात हो रही है यहाँ पे एसक्यूसी वन की, क्वालिटी दिखाने की बात किसकी हो रही है सर, एसक्यूसी वन की।
बात किसकी हो रही है, एसक्यूसी वन की। सारे चैप्टर्स के मैजिक कर सैटरडे निकिता, सारे चैप्टर्स के सैटरडे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देखो, एक चैप्टर नहीं सारे चैप्टर्स के सैटरडे, सारे चैप्टर्स के। ठीक है सर? हाँ सर, बहुत क्वेश्चंस है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं एग्जाम में, बिल्कुल सारे करेंगे सर। हेड्स ऑफ टू यू, धमाका बैच में एक सिर्फ मॉड्यूल कवर करने की बात हुई थी, लेकिन उसके साथ क्वेश्चंस एंड क्यूमुलेटिव रिवीजन भी कर लिए। बिल्कुल सर, जो मैंने वादा किया था उससे ज्यादा किया, फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। और फिर क्वेश्चंस आप फिर से भी करा रहे हो, बोल रहे धमाका बैच में क्वेश्चंस तो कर ही थे और क्वेश्चंस फिर से करा रहे हो, फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू ऐसा बोल रहा है गौरव भाई। थैंक्स सर और गौरव भाई। चलो, क्या लग रहा है आपको सीए फॉर्म की फंक्शनिंग कैसी? अब चलो अब आते हैं अपन टॉपिक पे, ठीक है सर? हाँ, अब बात को बड़े ध्यान से। सीए फंक्शनिंग कैसी, मतलब सीए फॉर्म की फंक्शनिंग कैसी? मैंने बोला एकदम ही वाहियात, एकदम घटिया पुअर फंक्शनिंग है। मैं कौन हूं ना, सीए शंकर हूं। मैं बोल रहा हूं अरे फॉर्म वालों अपन कर लेते हैं ना, मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मेन पार्टनर हूं। मैंने बोला भाई एकदम ही घटिया वाहियात, थर्ड क्लास फंक्शनिंग है, पुअर फंक्शनिंग है, ऐसा काम नहीं चलता है। आपको कभी भी पैसा देख के काम नहीं लेना चाहिए, आपको मेन क्या देखना चाहिए ना कि मैं अच्छा काम करूं। ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा के चक्कर में आप लोग अपने उसूलों के साथ खेलो, समझ रहे हो क्या? ऐसा मत करना कि हाई फीस के चक्कर में तुम लोग ऐसे जने का ऑडिट लो जिसके ऊपर रेगुलेटरी इंक्वायरीज चल रही है, तो पुअर फंक्शनिंग है। ठीक है सर, मैंने क्या बोला, जैसे ही तुमको दिखा एग्जाम में क्वालिटी, तुमको आना चाहिए एसक्यूसी वन। तुमको क्या आना चाहिए दिमाग में, एसक्यूसी वन। अब एसक्यूसी वन में अपन ने एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट पढ़ी थी, पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट। मैंने तुमको क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट काम की होती नहीं है पूरे के पूरे अपने ऑडिट में, पूरे कोई भी ऐसे में, लेकिन एसक्यूसी वन की अपन लोगों ने अच्छे से करी थी। अगर आपको याद हो तो एसक्यूसी वन की अपन लोगों ने अच्छे से करी थी। सर क्या थी पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट, आप हमको बता दो। देख लो भाई, देख लो क्या बोल रहा हूँ, देख लो। बाकी जो लोग हैं ना सर, जिन लोगों ने दूसरी फैकल्टी से पढ़ रखा है, उनको भी पता है भाई ऑब्जेक्टिव जो होता है एकदम बेसिक वाला पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट, अपने अपने मटेरियल में मार्क करते हुए चलना, तुमको रेफरेंस दे दिया जाएगा। क्लियर है सर? हाँ सर, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है सर, सारे चार्ट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, जिसको मेरे यूज करने हो तो। ठीक है सर, तो बाकी लोग हैं उनको भी। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है, पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट, यानी कि एसक्यूसी वन का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, फर्म को, सीए फर्म को एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है जिससे उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिले। सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं दे सकते, रीजनेबल एश्योरेंस ही मिल सकता है। क्या मिल सकता है, रीजनेबल एश्योरेंस ही मिल सकता है। पता है क्या, कि फर्म और पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं पीएसआरएलआर के साथ। सर ये पीएसआरएलआर क्या होता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, और जो रिपोर्ट निकले ना वो एप्रोप्रिएट निकले। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, क्लीन रिपोर्ट है तो क्लीन रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए, समझ रहे हो? होती है एप्रोप्रिएट रिपोर्ट, यानी जो है ना सच में वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर सच में कंपनी में कांड है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दूंगा, कंपनी बेस्ट है तो क्लीन रिपोर्ट दूंगा। तो ये दो होती है क्या सर, मेरी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ये तुमको लिखना है। एसक्यूसी वन का कोई भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट तुमको लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। गांठ बांध लो ये बात को, गांठ बांध लो ये बात को। पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट, फर्म एंड पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं पीएसआरएलआर के साथ, और रिपोर्ट जो है ना एप्रोप्रिएट है। क्या तुमको मेरी बात क्लियर है? मैंने बोला हाँ सर, ये आएगा अपना ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब वापस आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन पे। हाँ, तो अपन क्या बोल रहे थे सर, ये अपन ने बात करी सर, ये हमेशा आएगा एसक्यूसी वन के कोई भी क्वेश्चन में आएगा, पीएसआरएलआर प्लस रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट चिपका के आ जाने की। मैंने पता है इधर क्या बोला, कमर्शियल कंसिडरेशंस यहाँ पे ओवरराइडिंग फैक्टर बन रहे, यानी जो सीए शंकर है ना, सीए शंकर वो एकदम अच्छा आदमी नहीं है, सीए शंकर अच्छा आदमी नहीं है। हाई फीस देख के वो क्या कर रहा है ना, हाई फीस देख के वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कमर्शियल कंसिडरेशंस यहाँ पे ओवरराइडिंग फैक्टर हो गए। यहाँ पे इंडिपेंडेंस का भी इशू है। इंडिपेंडेंस का इशू क्यों आया, क्योंकि भाई मैंने बोला ना ये मेरे जानते थे, क्लोज एसोसिएट था मेरा, ठीक है सर, रिलायंस वाले मेरे क्लोज एसोसिएट थे। बेसिकली क्लाइंट यहाँ पे लैक कर रहा है इंटीग्रिटी, क्लाइंट जो है ना सच्चा नहीं है, वो कांड वाला क्लाइंट है। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला पार्ट का आंसर, ये हो गया मेरा पहला पार्ट का आंसर। पहला पार्ट क्या था कि भाई कैसी फंक्शनिंग है, मैंने बोला पुअर फंक्शनिंग है, और मैंने पूरे के पूरे 5 पॉइंट उसमें लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या कंसिडरेशंस मेरे को ध्यान में रखना है। कंसिडरेशंस भाई तुमको पता है, पैसा लोग पैसा आईसीसी। सर ये पैसा लोग पैसा क्या होता है भाई, पैसा लोग पैसा क्या होता है भाई, कल इस पर मैंने एमसीक्यू भी पूछा था तुम लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे, और भाई कितने सारे लोगों ने गलत किया सर, कितने सारे लोगों ने गलत किया, जो मेन वाला टेलीग्राम चैनल है उस पे। क्यों ऐसा करते रहते हो तुम लोग भाई, बहुत सारे लोगों ने गलत किया, ऐसा कैसे चलेगा भाइयों, एग्जाम में 20-25 दिन ही बाकी है। देखो कंसिडरेशन, पैसा लोग पैसा, जो हमारा एसक्यूसी वन है ना उसमें होते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। वो एलिमेंट्स में एक होता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसमें बात आती है किसकी सर, पैसा लोग पैसा की। उसमें किसकी बात आती है, पैसा लोग पैसा की, पैसा यानी कि फर्म असाइंस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो दैट
कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि आपको काम एक्सेप्ट करते वक्त काम देखना है, पैसा नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा पैसा मिल रहा है ना तो मैं गलत रिपोर्ट पे भी साइन कर दूंगा। तो ये सब फालतूगिरी कर मत देना जिंदगी के अंदर, ये सब फालतूगिरी कर मत देना। कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क, पहले आपको ऐसा सोचना है कि मैं बेस्ट क्वालिटी का काम करूं, पैसा सब सेकेंडरी है। तुम समझ रहे हो क्या? हाँ सर, मेरे को सोचना है कि भाई मैं तुमको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन दूं, पैसा मेरे लिए क्या है ना जरूरी नहीं है इतना जो तुम मेरे को फीस दे रहे हो। तुम बात समझ रहे हो क्या मेरी? मैंने बोला हाँ सर, ये पैसा पहला मेरे को ध्यान में रखना होता है। दूसरा, इस पे मैंने एमसीक्यू कल पूछा भाई, बहुत ये इस पे पूछा था लोग पे, भाई तुम लोगों ने गलत कर दिया, मेरे को बहुत बुरा लगा दिल से। फर्म्स पॉलिसीज फॉर पर्सनल डेमोन्स्ट्रेट ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी, यानी कि जो फर्म पॉलिसी बना रहे हैं ना अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसमें क्वालिटी वाली चीज होनी चाहिए। इसके बहुत मैंने एग्जांपल भी तुमको दिए थे क्लास में, लेकिन छोड़ दो अभी कुछ काम के लिए। मुद्दा यही है कि भाई लोगों के लिए भी तुमको अच्छी खासी पॉलिसी बनानी है, जो कि क्या बताए ना उनको कि भाई तुम क्वालिटी से काम करना। लोगों को क्या बताना अपने फर्म वाले कि तुम क्वालिटी से काम करना है, मैंने आर्टिकल को मैं बताऊंगा तुम क्वालिटी से काम करना, सीए फर्म की बात चल रही बेसिकली। हाँ सर, तो उनको मैं क्या बोलूंगा मेरे पर्सनल को कि तुम क्वालिटी के साथ काम करना, उसके लिए मैं पॉलिसी बनाऊंगा। और पैसा क्या बोल रहा है, फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्यूसीपीपी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यानी फर्म जो है ना सफिशिएंट पैसा डाल रही है क्यूसीपीपी बनाने में, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने में सफिशिएंट पैसा डाल रही है। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आती है, पैसा भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अपन ने इसको मेमोरी टेक्निक के में पैसा लेके चला था, ठीक है, अपन ने पैसा मान के चला था। तो पैसा, लोग, पैसा, ये तीन क्या होते हैं कंसिडरेशन। क्या तुमको बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। तो पहला क्या था, कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क, पहला फोकस तुमको पैसे पे नहीं काम पे देना है। लोग यानी कि फर्म जो है ना फर्म अपने पर्सनल के लिए भी अच्छी खासी पॉलिसी बनाएगी ताकि वो लोग क्वालिटी वाला काम करें, वो लोग चिंदी काम नहीं करने चाहिए, वो लोग अच्छा क्वालिटी वाला काम करना चाहिए। और फर्म अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स के लिए रिसोर्सेस लगाएगी। अब रिसोर्सेस में एक्चुअली में बहुत सारे रिसोर्स आ सकती है, लेकिन अपन इसको पैसा मान के चले थे, पैसा लोग पैसा अपनी मेमोरी टेक्निक थी। उसके अलावा आईसीसी, एक्चुअली में क्वेश्चन में आईसीसी लिखा नहीं जाना चाहिए था क्वेश्चन में, मतलब ये आंसर जो था ना क्वेश्चन का, उसमें देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर तुमको पता हो तो पैसा लोग पैसा आईसीसी तो एक्चुअली में आना नहीं चाहिए था, लेकिन आईसीआई ने दे दिया तो भी मैंने भी दे दिया। एक्चुअली में जो लीडरशिप होता है उसमें तीन ही पॉइंट आते हैं, पैसा लोग पैसा, लेकिन आईसीसी भी इन लोगों ने आंसर में लिख रखा था तो वो भी मैं तुमको पढ़ा देता हूँ सर। आईसीसी भी इन लोगों ने लिख रखा था आंसर में तो वो भी मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। आईसीसी का भी इन लोगों ने पॉइंट रखा था, आईसीसी वाला पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस वाले में। आईसीसी वाला पॉइंट किस में आता है सर, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस वाले में, कि भाई किसी भी मतलब कोई भी काम को एक्सेप्ट करने से पहले, मतलब मेरे पास रिलायंस आया, मेरे पास टाटा आया, ये सब काम को एक्सेप्ट करने से पहले मेरे को मेरे क्लाइंट का आईसीसी देखना है। क्लाइंट का क्या देखना है, आईसीसी देखना है। पहला क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखनी है, आई। दूसरा कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी मैं कितना कंप्लाई कर पा रहा हूँ एज एन ऑडिटर। और तीसरा कंपिटेंस टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, यानी मैं कितना कंपिटेंट हूँ, क्या मेरे पास सीए की डिग्री है क्या। तो मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, आईसीसी इंटीग्रिटी तेरी, कॉम्पिटेंस मेरी, कंप्लायंस मेरी, यानी ये चीज़ मेरे को देखनी होती है कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। मान लो टाटा मेरे पास आया क्या करवाने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए आया, बिरला मेरे पास आया, मुखिया मेरे पास है, मुखिया ने कि मुकेश अंबानी, तो मैं क्या देखूंगा इंटीग्रिटी तेरी, यानी इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंस मेरी और कंप्लायंस मेरी, ये तीन चीजें मैं देख करके चलूंगा। तो बेसिकली ये थे अपने चार पॉइंट, पैसा लोग पैसा आईसीसी। क्या तुमको मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये था अपना आंसर नंबर वन, अपना आंसर नंबर वन क्वेश्चन चार्ट्स का। जल्दी बताना कि पता चलता है कि नहीं।